टाइम चेक, सुबह 8:09 मौसम एकदम क्लियर। तो आज का हमारा प्लान है, हम चितकुल जाएंगे। यहाँ से चितकुल का ड्राइव 1 घंटे का तकरीबन डिस्टेंस, अबाउट 20 किलोमीटर। चितकुल इज बेसिकली लास्ट वे, उसके बाद फिर 18-20 किलोमीटर के आगे चाइना, वहाँ पे हम जा नहीं सकते बिकॉज परमिशन आई थिंक मिलती भी नहीं आगे जाने के लिए। चितकुल का ड्राइव इज सीनिकली ड्राइव इज वेरी ब्यूटीफुल। तो कल हमारा प्लान है सुमदो का, हॉल्ट एट सुमदो, परसों सुमदो से निकलेंगे काजा में हॉल्ट, अगर हो पाया कंडीशन, इफ दे आर कंडीसिव देन वी विल प्लान टू गो टू इंद्रताल, अभी इंद्रताल इज नॉट वेरी सर्टेन। नेक्स्ट जिस्पा, ले से विल टूवर्ड्स कारगिल, एंड देन विल गो टू द प्लेस आई टोल्ड यू अर्लियर। मैं आपको और बताऊंगा जब मैं वहाँ पे पहुंच जाऊंगा। बाकी तो सब एकदम चकाचक है। ये दो चीज़ें आगे लेके जाना होगा, एक गोरिल्ला माउंट्स में अभी कैमरा रख रखा है, दूसरा ये सेल्फी स्टिक, मज़ेदार सेल्फी स्टिक है, क्लैंप है ये, कुछ क्लैंप है, मुझे नाम नहीं पता इसका, देखेंगे कुछ लेगा कि सेल्फी स्टिक या फिर गोरिल्ला माउंट माउंट करने के लिए क्या चाहिए, तो मिल जाएगा। ये दो लकी मैंने लिए हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ GoPro बैटरी चार्जर, इसमें एट अ टाइम 2 बैटरीज आप चार्ज कर सकते हैं। 3 बैटरीज GoPro के लिए और 1 चार्जर लिया है। एक कुछ और जरूरी चीज़ें, 20,000 mAh का एक बैटरी बैंक, फॉर माई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पजेज द टाइगर, ये टाइगर समबडी गिफ्टेड मी, तो तब से मेरे साथ है। और जब भी मैं अकेले ट्रैवल करता हूँ तो मैं मेक श्योर किया है टेक दिस टाइगर लॉन्ग। अगर आपने रैम्बो मूवी देखी है तो उसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने सेम डिज़ाइन का टाइगर यूज़ किया है। एक और बात, इसमें सीक्रेट स्टोरेज है जिसमें आप अंदर कुछ भी सो सकते हैं। दिस इज बेसिकली फॉर माय सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। दिस हाई पावर हैविंग टॉर्च, यू कैन चेंज द फोकस ऑफ द टॉर्च एंड द बीम ऑफ द टॉर्च, तेज लाइट है, इसको ऐसे चेंज भी कर सकते हैं। लैब बैग, गाड़ी के पेपर्स और वॉलेट सब इसके अंदर रखता हूँ। दीज आर द बूट कवर्स, बूट कवर्स बेसिकली बूट्स को वाटरप्रूफ करने के लिए, छोटा फ़ोन जिसकी बैटरी ज़्यादा चलती है तो बड़े फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मेरा SLR EOS 1200D, इसकी एक स्पेयर बैटरी, मल्टीपल एक्सपीरियर चार्जर, 3 एम्पीयर। और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे मिलनी है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, करते हो तो छोड़ दो, करते हो तो स्टार्ट मत करना, बस ये आखिरी है, क्यों मैं भी छोड़ रहा हूँ। जय प्रभु जय माता दी। वी मूव फ्रॉम सांगला टू चितकुल, चितकुल लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। रोड कंडीशन बताया गया कुछ खास नहीं है, रोड कंडीशन सर के मतलब हार्ट ऑफ हार्ट टॉप रोड्स हैं वहाँ पे, बट बीच में काफ़ी ब्रोकन पैचेज हैं। आज मैंने लगेज अपनी गाड़ी में रखा नहीं, कुछ सिर्फ एक टैंक बैग रखा है। कल का अपना सफ़र होगा सुमदो का। सुमदो में आई हैव गॉट अ फ्रेंड इन सुमदो हु विल बी होस्टिंग मी फॉर अ डे, एंड आई विल enjoy his hospitality for the day with booze and dance. Road matlab theek hai, itna bura road nahi hai. I have seen much worst roads as compared to this one, but abhi to start hi hua, aage dekhte hain kya hota hai. Kya ho gaya dhanno, dhoka mat dena. Aur aage ek gadariya apni bhedon ke sath, यहाँ पे इनको हम गद्दी बोलते हैं, गद्दी। और हट जाओ भाई, पशु 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 हटो, पशु हटो। और ये है एक मस्त बकरी जिसको खाने में बहुत मज़ा आता है। मैंने मीटर अपना सेट नहीं किया तो उसको ज़रा जीरो तो करने, हम RPM बहुत नीचे होगी मेरी बाइक की। ये जनरली हो जाता है जब आप एक हाई अल्टीट्यूड एरिया में आते हैं तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करता है, और इसकी वजह से RPM ऑटोमेटिकली आपकी जब आपने 1 पे सेट की होती है अपनी RPM बाइक की, वो खुद ही 0 पे आ जाती है, तो उसको आके मुझे सेट करना पड़ेगा। बहुत ही आसान तरीका है RPM बढ़ाने का, एक नट टाइट करना होता है बस, जो कि बिना किसी नट पाने के भी हो जाता है, हाथ से भी कर सकते हो आप। और वैसे भी सुबह सुबह बाइक ठंडी थी इसलिए RPM उसका खुद ही कम जा रहा था। आई थिंक जब बाइक का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा तो थोड़ी कंडीशंस बेटर हो जाएंगी। टाइम अभी हुआ है 10:30, तो हमने तकरीबन 10:20-10:25 के आसपास शुरू किया है। 1 घंटा यहाँ से लगेगा चितकुल पहुँचने का, और चितकुल में हम पियेंगे मस्त चाय इंडिया के लास्ट रेस्टोरेंट में। शिमला टू इस सर्किट को आप करते हैं तो यहाँ पे एक ही बाइक सर्विस सेंटर है रॉयल इनफील्ड का, जो कि काजा में है, उसके पहले कोई नहीं है, उसके बाद में कोई नहीं। हाँ, लोकल सर्विस स्टेशन होंगे जो मतलब लोकल लेवल में चलते हैं,
जैसे टपरी टाइप सर्विस सेंटर्स होते हैं वहाँ पे तो थोड़ी बहुत रिपेयर करवा सकते हैं, बट अगर मेजर रिपेयर कुछ करवानी है तो सिर्फ आपको काजा में ही एक सर्विस सेंटर मिलेगा रॉयल एनफील्ड का, तो उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन ज़रूर करके आएंगे भाई। रोड इज़ ठीक है, इट इज़ नॉट अ बैड रोड, आई वॉन्ट कॉल इट अ बैड रोड, बैड पैचेज तो आगे आएंगे, आगे देखने को मिलेंगे भाई। इट इज़ अ गुड रोड इनफैक्ट एज पर द स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड ऑफ दिस प्लेस। इतनी रिमोट जगह है, ये रोड कंडीशन बहुत अच्छी है, होपफुली आगे तक ऐसे ही रहेगा चितकुल तक। दिस इज बास्पा रिवर, इसके नाम से इसका नाम बास्पा वैली है, वैली इज बास्पा वैली ऑल्सो, और साथ में इसको हम सांगला वैली बोलते हैं। बास्पा रिवर आगे जाके सतलुज में मिल जाती है। वैली का फोटो इन ग्लव्स की अच्छी बात यह है कि रॉयल एनफील्ड्स के टैक्टिकल ग्लव्स हैं, अच्छी बात यह है कि इनको पहन के भी आप फोन को ऑपरेट कर सकते हैं। रोड कंडीशंस थोड़ी सी खराब हो रही है, अब एक ब्रिज आया है, ब्रिजेस आयरन ब्रिज, और एक बहुत ही खूबसूरत नजारा, तभी यहाँ पे इतनी गाड़ियां रुक रखी। अभी भाई साहब मुझे आगे जान देंगे, जगह भी पूरी है बट फिर भी इनकी जिद होती है कि आगे नहीं जान देंगे भाई, आगे तो हम ही चलेंगे, हमसे आगे कोई नहीं हो सकता है, हम क्यों आगे जान दे भाई, हमारा तो उस रोड के ऊपर जन्म सिद्ध अधिकार है ना, तो हम क्यों आगे जान दे भाई, हमारे पीछे पीछे चुपचाप चलते रहो, पर चुपचाप तो हम चलने वालों से नहीं है, इसलिए हम इनको हॉर्न मारते रहेंगे। देखो चितकुल जा रहा हूँ मैं, बैठो बैठो। अच्छा यहाँ चल पड़ती है, हाँ अच्छा हल्की है क्योंकि इसलिए। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ जाना चाहिए मुझे घूमने चितकुल के बाद? आपको चितकुल घूम के रक्षम में भी बहुत अच्छी जगह है। रक्षम मेरा कैफे है। अच्छा ये नदी कौन सी है? ये बास्पा है। बास्पा बहुत तेज बह रही है यहाँ पे। हाँ चाहिए है ना। आपका नाम क्या है? राजेश। अच्छा आप कहाँ से? मैं धर्मशाला से। और क्या धर्मशाला में ऐसा है कि आपके रोड कंडीशन मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। बहुत अच्छे हैं। आप कहाँ से वैसे? मैं रक्षम से हूँ। रक्षम से यही जहाँ आप गाड़ी चलाओ। अच्छा बगल मेरी मुंबई में ही हुई है। अच्छा अरे वाह, बगल मेरी मुंबई में हुई है। मुंबई जाने का मेन धंधा क्या रहता है? लोग हीरो बनने के लिए। नहीं नहीं आप में दम है यार, पर्सनैलिटी तो है आपकी। क्या बात कर रहे हो? कौन सी? राजकुमार राव के साथ शाहिद में। शाहिद में? शाहिद में स्लेट वाली। यही वाला आपका? चलो और वापस जब आओगे यही में रुकूंगा मैं। यहाँ रुकना चलो मिलता हूँ शाम को। थैंक यू। मिलना सर। ठीक है ठीक है ओके थैंक यू भाई। सूरज पंचोली और सलमान खान की मूवी आने वाली है सैटेलाइट शंकर, उसमें भी मैं आपको दिखूंगा। उसकी शूटिंग हुई है?
शूटिंग मैंने यहीं करवाई है। हाँ हाँ हाँ। कुछ पार्ट सैटेलाइट के। तो आपके साथ तो सेल्फी खींचनी पड़ेगी यार, शाम को आके मिलता आप ये भी रहने वाले हो ना? पता था आएगा, मैं फुल मूवी में विलेन नहीं हूं। हाँ। आपको होता ना वो एक आर्मी बेस पर कहानी है। हाँ हाँ हाँ। वो एक मिलिटेंट एरिया में फंसता है, वहाँ का मैं वो लीडर हूँ। क्या मतलब सैटेलाइट शंकर? सैटेलाइट शंकर। चलो मिलता हूँ आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू। नहीं, मैं अकेला हूँ। टाइम है? चलो जी, हमें मिला है एक छोटा सा इनविटेशन चाय पीने का इन सैटेलाइट शंकर की जो विलेन है उनके रेस्टोरेंट में, तो वहाँ बैठेंगे और चाय पियेंगे, थोड़ी गपशप बकचोदी करेंगे और उसके बाद अपना सफ़र आगे बढ़ाएंगे। ओके, सही बनाया आपने। ये क्या होता है आपने? सोचला भी है, मतलब भी क्लाइंबिंग के लिए बेसिकली। काफी लोग चढ़ते हैं, काफी है मतलब पैनी, पैनी काफी लोग नहीं चढ़ते हैं, मतलब जो शौकीन लोग हैं। हाँ, शौकीन लोग हैं। और ये सामने किंडर क्लास है ना, इसमें बर्फ रहती थी परेशान। हाँ, सांगला वैली आपका कच्छम से स्टार्ट होके छितकुल लाइट हो जाता है। छितकुल से भी आगे 28 किलोमीटर और आगे रोड बन रहा है, वो आगे रोड है। एरिया बहुत बड़ा है पर वो छितकुल के आगे मेरे ख्याल से जाने नहीं देते हैं।